हेलो फ्रेंड, मैं हूं गणेश कुमार। जीके टिप्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन एक्सिस बैंक में अपना एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करके बताइएगा जो भी प्रॉब्लम होता है। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में आ रहे बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। करना क्या है, आपको अपना एक्सिस बैंक जो मोबाइल ऐप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हो तो आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना है और नेक्स्ट आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन कर चुके हो तो आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे अपना एन पिन डाल करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे अगर आप ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद जो यहाँ पे 3 डॉट लाइन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा सर्विस एंड सपोर्ट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टा सर्विस, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पे आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रोफाइल के बगल में है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना चाहते हो या परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आई बटन पे जाकर के आपको क्लिक करके देख लेना कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर इलेक्शन कार्ड वो होता है जिससे हम वोट गिराते हैं। तो हम अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है वो भी आप डाल करके यहाँ से अपना कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ओके वाले पे हम क्लिक करते हैं और ये जो यहाँ पे है लिखा हुआ आ रहा, अगर हमको परमानेंट एड्रेस चेंज करना है या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना है तो दोनों में प्रोसेस सेम ही है, तो हमको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा पहले वाला एड्रेस है, जो यहाँ पे हमारा पहले वाला एड्रेस आ रहा और यहाँ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ अपडेट वाले पे हमको क्लिक करना है। अपडेट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होता है आपको यहाँ पे एक एड्रेस अपना फिल कर लेना है। जैसे सपोज डेट कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, आपको इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है और यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस है इस पर आपको क्लिक रहने ही देना है। अगर आप कोई ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हो तो इस ऑफिस वाले पे आपको क्लिक करना है, वरना आपको यहाँ पे रहना है। यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर आई एग्री वाले पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो अपडेट आ रहा अपडेट वाले पर आपको क्लिक करना है। अपडेट वाले क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, या पासपोर्ट है तो पासपोर्ट वाले क्लिक करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिशियन कार्ड वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कैमरा ओपन होकर के आ जाएगा। इस कैमरे वाले पे अगर जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। आप गैलरी वाले पे क्लिक करके आपके पास जहाँ भी अगर जो रखा हुआ है प्रोफाइल उसको आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो चूज कर लेना है। फ़ोटो चूज करके आपको सपोज कि अगर हमको ये फ़ोटो है चूज करने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे अपडेट हो चुका है और आपको अपडेट वाले पे क्लिक कर देना है। अपडेट वाले पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसे अपना ये ओपन करते हो तो आपको एक मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा उस पर आपको सर्विस नंबर चला जाएगा, जो कि आपको जो कंप्लेंट नंबर होगा जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट नंबर यू सर्विस रिक्वेस्ट हैज बीन इतना और एड्रेस चेंज परमानेंट हैड बीन रिजेक्टेड। अगर आपके पास कोई रिजेक्ट होता है तो आपके पास एक ऐसा मैसेज आएगा, रिजेक्ट का मैसेज आएगा, ठीक है। अगर और रिजेक्ट नहीं होता है, अगर अपडेट हो जाता है आपको अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा योर एसआर नंबर इज रॉन्ग और इनवैलिड प्रूफ अपडेट या फिर रेज्यूम, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको आपके पास मैसेज आ जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।